Hello kids, good morning. How are you all? I hope you are good. I am your handwriting teacher Neelam from the Wisdom School Sirsa. Welcome back to your online class of English, Hindi and Maths Writing. Now in this video we will revise month of year. Aaj hum months of year ki revision karenge. Okay? And you know how many months are there in a year? Yes, 12 months. First month of the year, January. J A N U A R Y, January. Second month of the year, February. F E B R U A R Y, February. Third month of the year, March. M A R C H, March. Fourth month of the year, April. A P R I L, April. Fifth month of the year, May. M A Y, May. 6th month of the year, June. J U N E, June. 7th month of the year, July. J U L Y, July. 8th month of the year, August. A U G U S T, August. 9th month of the year, September. S E P T E M B E R, September. 10th month of the year, October. O C T O B E R, October. 11th month of the year, November. N O V E M B E R, November. Last month of the year, December. D E C E M B E R, December. Okay student, इसी तरह आपने इन 12 मंथ्स की स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी है. ओके, आप टू टू करके भी लर्न कर सकते हो. वैसे तो हमने पहले जब रिवीजन की थी तो हमने वन बाय वन स्पेलिंग इनकी लर्न की थी और 2 डेज हमने लिए थे. लगभग 12 मंथ्स नेम है तो हमने 12 डेज ही लिए थे. 1 डे में हमने 1 स्पेलिंग की थी. तो ऐसे ही आई होप आपको अच्छे से लर्न होगी. जिनको नहीं भी लर्न तो आप 2 स्पेलिंग को डेली लर्न करो, उसे फिर राइट करो. राइट कर पहले लर्न करो, फिर उसे राइट करो. इस तरह आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे. ओके, इन हिंदी वी विल डू ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा. आज हम बड़े ऊ की मात्रा की रिविज़न करेंगे. लेट्स स्टार्ट एंड रीड विद मी. Let's start and read with me. ड, ड को ऊ की मात्रा. ब, न, न को आ की मात्रा. डूबना, write with me. ड, ड को बड़े ऊ की मात्रा. ब, न, न को आ की मात्रा. डूबना. Next है क, क को बड़े ऊ की मात्रा. द, न, न को आ की मात्रा. कूदना. क, क को बड़े ऊ की मात्रा. द, न, न को आ की मात्रा. कूदना. नेक्स्ट घ, घ को बड़े ऊ की मात्रा. म, न, न को आ. घूमना. घ,
घ को बड़े ऊ की मात्रा, म न न को आ की मात्रा, घूमना, प प को बड़े ऊ की मात्रा, न म पूनम, प प को बड़े ऊ की मात्रा, न म पूनम, स स को बड़े ऊ की मात्रा, र ज सूरज, स स को बड़े ऊ की मात्रा, र ज सूरज, क प प को बड़े ऊ की मात्रा, र कपूर, क प प को बड़े ऊ की मात्रा, र कपूर, ख ज ज को बड़े ऊ की मात्रा, र खजूर, ख ज ज को बड़े ऊ की मात्रा, र खजूर। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आपने भी बड़ी ऊ की मात्रा के इन शब्दों को अच्छे से पहले आपने रीड करना है, आपने 3-4 times पहले इनको अच्छे से रीड करना है और उसके बाद आपने राइट करना है। ओके बाय बाय स्टूडेंट, मैथ का जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारी मैथ्स की बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और आपको पता है कि आपके पीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं, पीटी टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें आपके सिलेबस में काउंटिंग एंड पुट द साइन आपको दिए गए हैं सिलेबस में। तो आज हम क्या करेंगे, हम ग्रेटर देन, स्मॉल देन और इज इक्वल टू इनकी रिवीजन करेंगे और 2-3 days हम इन्हीं को अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि आपको ये सम्स अच्छे से समझ आ जाए कि ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल का साइन हमें कहाँ यूज़ करना है। ओके, आपने अपनी बुक सभी की फिल हो चुकी है तो आपने अपनी नोटबुक में इन सम्स को करना है, लेकिन मेरे पास जो है बुक अभी फिल नहीं हुई थी तो मैं आपकी बुक में आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, बट आपने इन्हीं नंबर्स को बुक में अपनी नोटबुक में राइट करना है। ओके लेट्स स्टार्ट। अब देखिए 17 and 18, अब आपको पता है कि जो बिगेस्ट नंबर होता है उसकी तरह हमें साइन का फेस ओपन करना होता है, साइन का फेस जो है हमें ग्रेटर नंबर की ओर ओपन करना होता है। अब 68 और 96 में से ग्रेटर नंबर 96 है तो साइन का फेस हमें 96 की तरफ ओपन करना है। ऐसे ही 72 और 89 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 89, तो साइन का फेस हम ओपन करेंगे 89 की ओर। नेक्स्ट नंबर है 17 and 12, अब इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 17, तो साइन का फेस हम 17 की तरफ ओपन करेंगे। नेक्स्ट है 89 and 93, अब ग्रेटर नंबर 93 है तो साइन का फेस हम 93 की ओर ओपन करेंगे। नेक्स्ट नंबर है 76 57, अब ग्रेटर नंबर 76 है तो साइन का फेस हम ग्रेटर नंबर की ओर ओपन करेंगे। नेक्स्ट है 85 and 15, अब ग्रेटर नंबर 85 है तो हम 85 की तरफ साइन का फेस ओपन करेंगे। 38 and 82, अब 82 ग्रेटर नंबर है तो 82 की तरफ ग्रेटर ए साइन का फेस ओपन करेंगे। ये जो है आपके पेज नंबर 23 पे, पेज नंबर 23 पे ये थर्ड लाइन थी, आपने इन सम्स को नोटबुक पे राइट करना है और फिर आपने साइन लगाना है। ओके बाय बाय।